तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल एस के चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस यार, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो फ़ोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वीवो के किसी भी डिवाइस में आप फ्रंट टच ओएस 10 को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, कैसे यूज़ कर सकते हो आप वीवो के किसी भी डिवाइस में फ्रंट टच ओएस 10 को। तो आज की इस वीडियो में आपको यही मैं बताऊँगा। वीडियो को स्किप मत करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आप मेरे आने वाली वीडियो को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इससे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरे एक दूसरे चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ यार उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उस चैनल पे मैं अदर फ़ोन से रिलेटेड काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो डालता रहता हूँ। इस फोन से इस चैनल पे मैं सिर्फ वीवो की डालता हूँ, अदर फोन सभी की वीडियो डालता हूँ, जिससे अगर आपका किसी और कंपनी का फ़ोन है तो आपको वहाँ पर काफ़ी सारी हेल्प मिलने वाली है, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और अदरवाइज वीवो का है तो भी कर लें, क्योंकि मैं वीवो की भी काफ़ी वीडियो वहाँ भी डालता हूँ। तो चलिए गाइज अब मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या। देखिए गाइज, अगर आप सेटिंग्स में भी अगर जाते हो तो यहाँ पे भी आपका जो फ़ोन का सिस्टम अपडेट में अगर जाते हो तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं फ्रंट टच ओएस लिखा हुआ, वहाँ पे भी आपको यहाँ पे भी आपको फ्रंट टच ओएस 10 नज़र आने वाला है साथ में, यानी कि पूरा फ़ोन जो है आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या करना है आपको मैं आपको बताऊँ। गाइज देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने फाइल का लिंक दिया है, सिंपल से आपको फाइल पर क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ सारा कुछ मैं लाइव करके दिखाने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं व्हाट्सएप पे मैंने ले रखा है, इस लिंक को मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैंने लिंक कॉपी किया और आपको क्रोम ब्राउज़र में जाना है। सीधा सा क्रोम ब्राउज़र में खुले या फिर किसी भी ब्राउज़र में खुले, फिलहाल मैं जो क्रोम ब्राउज़र ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं अदर फोन भी यहाँ पे उस लिंक को मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ लिंक को पेस्ट करके, जैसे आप लिंक पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे आप लिंक पर क्लिक करोगे यहाँ आ गए, और यहाँ आने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, सबसे लास्ट में जाएंगे, यहाँ पे आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि कैप्चा मांगता है हमसे, तो कैप्चा भर देंगे। कैप्चा क्या बनना है कि आपको ऊपर बड़े अक्षर में नाम लिखा हुआ मिल जाता है, जो नाम होता है वही आपको सेलेक्ट करनी रहती है, वही पिक्चर सेलेक्ट करनी रहती है, उसके बाद ही कैप्चा फिल होता है। कभी कभी ये ऑटोमेटिक हो जाता है। तीन पिक्चर आपको सेलेक्ट करनी रहती है जो भी नाम आए उसमें से। तो यहाँ पर मैंने ये कंटिन्यू कर दिया, और कंटिन्यू करने के बाद में आपको यहाँ पर सबसे लास्ट में जाना है। यहाँ पे जो आपको टाइम घटता हुआ नज़र आने वाला है, जैसे आप देख सकते हैं 11, 10, 9, 8 इस टाइप से टाइम घटता हुआ नज़र आएगा। जब ये जीरो पहुँच जाएगा तो आपको यहाँ जो प्लीज वेट लिखा हुआ है ये मतलब कि ये ऑन हो जाएगा लिंक। ठीक है, तो आपको सिंपल यहाँ गेट लिंक पे क्लिक करेंगे, उसके बाद टाइम फिनिश होने के बाद तो आपको बैक कर देना है। देखिए जैसे हम बैक करेंगे, अगर ऐड वगैरह आते हैं तो बैक कर देना, और जैसे हम बैक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये हमारी फाइल देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आ जाओ, सिंपल से आपको यहाँ पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं। तो अभी मैं आपको यहाँ बताता हूँ, यहाँ से आपको डायरेक्टली डाउनलोड कर लें तो आपको यहाँ पे अपनी आईडी वगैरह सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ से देखिए मैं कर लेता हूँ, और जो मेरी आईडी है तो यहाँ पे आप ये फाइल मैनेजर वगैरह पे कर सकते हैं, या फाइल मैनेजर आएगा किसी में भी आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा आता है नॉट सपोर्टेड। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे साफ साफ नज़र आ गया कि यहाँ भी ये जो फाइल है नॉट सपोर्टेड है, इसमें आपको डरने वाली कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है, स्पीड अप करना है, और आपको जाना है ड्राइव फोल्डर में। ड्राइव में जाने के बाद में गाइज आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे खुलेगा आपका ड्राइव। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऊपर ही आपको यहाँ ये फोटो आ जाएगी, फाइल मैनेजर जो हमारी फोन जो मैंने दी थी। ठीक है, सिंपल आपको इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में ये जो फाइल है ऑटोमेटिक डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ डाउनलोड हो गया, कंप्लीट हो जाएगी, देख सकते हैं डाउनलोड हो रही है। तो चलिए मैं यहाँ पे कर दें, तो मेरी फाइलें डाउनलोड हो गई है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, एक फाइल का लिंक तो मैंने दिया है, अब दूसरा तो मैंने फाइल मैनेजर का भी लिंक दे रखा है, उसे भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है, यानी कि ये। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद में ओपन करेंगे, यहाँ पे जाना है सबसे लास्ट में, शो हिडन फाइल्स का ऑप्शन रहता है, इसको ऑन कर लेंगे। ठीक है, इससे सिस्टम फाइल जो है आपकी वो ऑन हो जाती है। उसके बाद में आपको यहाँ जाना है, डाउनलोड फोल्डर में आपकी जो फाइल है वो मिल जाएगी, जैसे कि मेरी ये फाइल है, इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद में आपको DWD का फोल्डर में जाना है, और यहाँ से जितने फोल्डर मिले आपको सारे में ऑन करते जाना है। ठीक है, और यहाँ पे टी फोल्डर में इसको पेस्ट कर देना है, ये यानी कि जो मैंने पहले से पेस्ट किया अब यहाँ पे मैं पेस्ट कर दी। ठीक है, अब मैंने नई फाइल पेस्ट कर दी। उसके बाद में गाइस आपको क्या करना है, यहाँ से कट हो जाना है, सारी स्पीड अप फिर से कर देना जिससे कि सारी एप्लीकेशन क्लोज हो जाए। उसके बाद आपको अपना थीम स्टोर ऑन करना है। जैसे ही आप अपना थीम स्टोर ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको जाना है लोकल पे, लोकल पे जाने के बाद यहाँ जाना है, और आपको यहाँ पे ये फाइल मिल जाएगी। सिंपल से आपको यहाँ से इस फाइल को अप्लाई कर देना है, और अप्लाई करने के बाद में देख सकते हैं गाइस जो आपका फ़ोन है वो हो जाएगा फ्रंट टच ओएस 10 में कन्वर्ट, और आपके फ़ोन में फ्रंट टच ओएस 10 इंस्टॉल हो जाएगा, जिससे कि आपका पूरा का पूरा फ़ोन जो है फ्रंट टच ओएस 10 की जैसा हो लग जाएगा।
तो यार फ्रंट लुक आप देख सकते हो, जो कि है बहुत ही गजब का लग रहा है, और फ्रंटेज ओएस 10 के जैसा बिल्कुल गजब लग रहा है। और आइकन भी आपको यहाँ पर फ्रंटेज ओएस 10 के जैसे देखने को मिल जाते हैं, किसी भी चीज़ में कोई भी बग्स देखने को नहीं मिलता है। अगर आप बात करते हैं किसी फोल्डर की, तो यहाँ पर भी आपको फोल्डर में भी साफ नज़र आने वाला है, लिखा हुआ फ्रंटेज ओएस 10 और नीचे मेरा नाम मिल जाएगा चैनल का, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके साथ अगर आपको मैं दिखाऊं इसके नोटिफिकेशन पैनल, तो चलिए फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ फ़ोन की सेटिंग्स। तो सेटिंग्स में अगर आप कर दो तो यहाँ पे भी आपको मिल जाता है फ्रंट टच ओएस 10, जो कि काफ़ी अच्छा लुक मिल रहा है आपके फ़ोन को, यानी कि पूरा फ़ोन आपका चेंज हो जाएगा। इसके बाद अगर आप बात करें हम इसके सिस्टम अपडेट की, तो यहाँ पर भी आपको नज़र आने वाला है गाइज साफ साफ की फ्रंट टच ओएस 10। तो यहाँ देख सकते हैं कि आपको साफ नज़र आने वाला है फ्रंट टच ओएस 10, और अभी आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं 10 फ्रंट जो है 10, तो साफ जो लोगो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपका जो फ़ोन है फ्रंट जो है 10 में कन्वर्ट हो चुका है, यहाँ पे भी आपको साफ नज़र आ रहा है। इसके बाद अगर हम जाते हैं अदर चीज़ के नोटिफिकेशन पैनल को चेक कराऊँ, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। ठीक है गाइस, शॉर्टकट सेंटर्स कुछ इस तरीके का अवेलेबल हो जाएगा आपको। इसके साथ डायलर आपको कुछ इस तरीके का मिल जाता है, जो कि फ्रंट जो है 10 का ही है। और इसके बाद अगर बात करें हम इसके बैटरी की, तो यार बैटरी आप देख सकते हैं कि बैटरी कुछ इस तरीके की देखने को मिल जाती है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं बैटरी कुछ इस तरीके की मिल जाती है। अगर बात करें इसकी लॉक स्क्रीन्स वगैरह की, तो लॉक स्क्रीन्स वगैरह भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो लॉक स्क्रीन देखिएगा, इसमें लॉक स्क्रीन्स दिखाऊँ तो लॉक स्क्रीन जो होने वाली है कुछ इस तरीके की आपको मिल जाती है। यहाँ पर भी आपको फ्रंट जो है इसका 10 का लुक मिल जाएगा गाइस। इसमें काफ़ी सारे चीज़ें जो है चेंज हो जाएंगी आपकी, जो कि मैंने सारी आपको बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो काफ़ी सारी वीडियोज इसमें, मतलब कि काफ़ी सारे चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे, आप सारे चेंज चेक कर लेना। बहुत ही नया फील करने होने वाला है इस फाइल को अपडेट करने के बाद में आपका जो फ़ोन है वो फ्रंट टच ओएस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके बाद जो आपका पूरा फ़ोन लगने वाला है फ्रंट टच ओएस 10 के जैसा। तो बस इतनी इसी तरीके से आप अपने वीवो के किसी भी डिवाइस में फ्रंट टच ओएस 10 को इंस्टॉल कर सकते हो, और फ्रंट टच ओएस 10 का जो रियल अपडेट है वो तो फिलहाल वीवो के सभी फ़ोन को नहीं मिलने वाला, कुछ ही फ़ोन को मिलेगा, और वो भी कब मिलेगा ये कोई न्यूज़ नहीं है। फिलहाल फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, बट अदर फ़ोन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, जिनको फ्रंट टच ओएस 10 यूज़ करना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है ये वीडियो, क्योंकि जिनको नहीं मिलने वाला है वो कम से कम इस वीडियो के द्वारा फ्रंट टच ओएस 10 को अपने वीवो के डिवाइस में यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को यार लाइक ज़रूर करना, क्योंकि काफ़ी सारी मेहनत लगती है यार वीडियो को बनाने में और ये सारी फाइलें बनाने में। अगर आप लाइक करते हो तो यार थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ, मतलब कि थोड़े से उम्मीद जागती है कि हाँ चलो और अच्छा काम करें। और तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।